अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके लिए ऐसे जबरदस्त चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहर से चटपटे मसालों की कोटिंग और अंदर से एकदम जूसी बना है यह देखिए बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और माउथ वाटरिंग चिकन रोस्ट बनकर तैयार हुआ है बनाना इतना आसान की इसे कोई भी बिगनर या बैचलर्स बहुत ही आसानी से बना सकता है तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं माउथ वाटरिंग चिकन ड्राई रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे सबसे पहले पैन को गर्म कर लीजिए फिर इसमें दो टेबल स्पून धनिया ऐड कर दीजिए एक बड़ी इलायची चार हरी इलायची एक टुकड़ा दालचीनी का और हाफ टी स्पून काली मिर्च चार सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे वैसे जितना आपको तीखा पसंद हो अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा और अब इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे ये मसाले भून चुके हैं फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के बाद लेंगे। तो देखिए पाउडर मसाला हमारा रेडी है इसे साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे मैंने पंद्रह से बीस लहसुन की कलियाँ, एक टुकड़ा अदरक और एक हरी मिर्च को इस तरह कूट लिया है अगर आप अदरक लहसन का पेस्ट डालना चाहे तो दो टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा लेकिन इस तरह फ्रेश कूट कर डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा अब एक कढ़ाई में चार से पाँच टेबल स्पून ऑयल गरम कर लीजिए फिर इसमें वन टी स्पून ज़ीरा डाल दीजिए जब ज़ीरा थोड़ा क्रैकल हो जाएगा फिर इसमें की हुई एक बड़े साइज की प्याज डाल देंगे और गोल्डन कलर आने तक इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है अब इसमें 10 से 12 करी पत्ता ऐड कर देंगे करी पत्ता का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा चिकन में यह बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल भी जाएगा और अगर नहीं मिले तो स्किप कर दीजिएगा अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को जो मैंने कूट कर रखा है ना उसे डाल देंगे फ्रेश मसालों का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा चिकन के अंदर हल्का सा इसे फ्राई कर लीजिए सिर्फ इसका कच्चा दूर होने तक फिर इसमें हाफ के जी अच्छे से धुले हुए चिकन डाल देंगे चलाते हुए चिकन को भी फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। अब इसमें बिल्कुल थोड़ी सी यानी कि वन बाय फोर टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए इससे चिकन का कलर अच्छा आएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए और हाई फ्लेम पे मसालों के साथ मिलाते हुए फ्राई कर लीजिए तीन से चार मिनट मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है अब आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दीजिए और इसे कवर करके 10 से 12 मिनट पका लीजिए पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना है चिकन अपना पानी खुद रिलीज कर देगा जिससे यह अच्छी तरह पक जाएगा वैसे बीच बीच में आप इसकी लीड हट चेक कर लीजिएगा दस से बारह मिनट तक चिकन पक चुका है चिकन के पीसेस मैंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं लिए थे यह ऑलमोस्ट गल चुका है और यहाँ देखिए चिकन का पानी अभी भी थोड़ा इसके अंदर है अभी ये जो स्पाइसी सा पाउडर मसाला मैंने पीस कर रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे और साथ ही कश्मीरी कश्मीरी लाल मिर्च मिर्च ऐड करेंगे तीखा नहीं होता है सिर्फ इसका कलर बढ़िया आएगा इसलिए मैंने ऐड किया है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अब इसे मिक्स करते हुए फिर से पकाते जाइए फ्लेम मीडियम पे कर देंगे तीन से चार मिनट के बाद यह देखिए चिकन मसालों के साथ अच्छी तरह पक कर तैयार है अगर आपको लगे मसाले नीचे से सड़ रहे हैं यह चिकन अच्छी तरह गला नहीं है तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ढक दीजिए फिर इसे थोड़ी देर और पका लीजिए अब लास्ट में इसे और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए आधे नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा फ्रेश कटा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए तो ये चटपटा सा चिकन रोस्ट बनकर तैयार है फ्लेम बंद कर देंगे तो आइए अब हम इसे सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं कम मेहनत और कम मसालों के साथ स्पाइसी और सुपर टेस्टी माउथ वाटरिंग चिकन रोस्ट बनकर तैयार है यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर से चटपटे मसालों की कितनी बेहतरीन कोटिंग हुई है और यह देखिए अंदर तक कितना जूसी बना है बनाएगा इसे देखते ही चिकन लवर्स के मुंह में पानी आ जाएगा बनाना इतना आसान है कि इसे कोई भी बिगनर या बैचलर्स बहुत ही आसानी से बना सकता है तो जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिएगा रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा प्लीज कुक विद कुकवित को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज